नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गजरिया, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर। आज हम बात करेंगे कि 90 दिन की प्याज की फसल के अंदर कौन से खाद और उर्वरक दें जिससे कि जो प्याज का वो साइज़ है वो बढ़ सके। तो चलो शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, ये मेरी 80 से 90 दिन की जो प्याज की फसल है, तो अब हम आज इसके अंदर बात करेंगे भी इसके अंदर जो प्याज का वो साइज़ है हम वो किस प्रकार बढ़ा सकते हैं इस स्टेज के अंदर, क्योंकि जो प्याज के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी जो वानस्पतिक वृद्धि थी वो पूरी हो चुकी है प्याज के अंदर, जिसने इस क्यों इसके अगर ज़्यादा आपने इस टाइम अगर नाइट्रोजन वगैरह देंगे तो इसके अंदर क्या है, इसकी जो ऊपर की वानस्पतिक वृद्धि है वो बढ़ती जाएगी और जो बल्ब का साइज़ है नीचे यानी प्याज का साइज़ है वो नहीं बढ़ेगा, और इसके अंदर जो फ्लोरिंग भी होने लगेगी, जिसके कारण क्या है जो पौधे का पूरा पोषक तत्व है या न्यूट्रिएंट है जो उसके बल्ब को यानी प्याज को मिलना था वो अब ऊपर जाएगा लीफ के अंदर और फ्लोर बनाने के अंदर क्या है हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर अपने को सीड के लिए अगर प्याज नहीं लगाया है तो आपको उसके अंदर फ्लोर जो है रोकना है, यानी उसके अगर उसके अंदर फ्लोर आ रहे हैं तो आप उसको तोड़ दें। अब दूसरी बात हम करें बात करेंगे भी इस अवस्था के अंदर जो प्याज के अंदर है वो हम कौन से खाद या उर्वरक दें जिससे कि जो पौधे के अंदर वो जो बल्ब का साइज़ है प्याज के अंदर वो एक अच्छा वो बन सके, तो इसी के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आपकी 90 दिन की क्रॉप है प्याज की, तो उसके अंदर जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो ब्रोन है, जो कैल्शियम नाइट्रेट है, इनकी जो आवश्यकता होती है इस समय जो प्याज की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये जो उर्वरक है आप जिनके अंदर ये फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम नाइट्रेट या ब्रोन जो उनको प्राप्त हो सके आप वो खाद या उर्वरक है वो उसको दें। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ आप क्या करेंगे, फास्फोरस के लिए आप DAP जो कि 30 से 35 KG पर एकड़ के हिसाब से आप पानी के साथ इसके अंदर DAP वो नीचे से दें, और दूसरा जो पोटेशियम या पोटास की बात करें अपने उसके लिए दोस्तों आप SOP या MOP आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास SOP है तो वो बेस्ट है। तो SOP दोस्तों आपको क्या करना है, 30 KG पर एकड़ के हिसाब से आप इसे जो नीचे से दे सकते हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, पौधे के अंदर जो पोटास की मात्रा है यानी पोटास की मात्रा है वो पौधे को पूरी मिल जाएगी, और पोटास क्या करेगा पौधे के अंदर जो इसके अंदर फ्रूट की क्वालिटी होती है यानी प्याज की जो क्वालिटी है वो बनाने में इसकी हेल्प करेगा, और प्याज को वो जो प्याज का तना है इसके पास वाला उसको भी बड़ा करेगा गुलाई के अंदर। तो इस प्रकार जो पोटेशियम है इस स्टेज के अंदर बहुत जरूरी होता है फ्रूट की क्वालिटी बनाने के लिए, यानी फ्रूट इसका जो बल्ब होता है यानी प्याज का उसकी अगर आप क्वालिटी बढ़िया बनाना चाहते हैं, इसका मतलब जो लीफ का कलर है वो अच्छी तरीके से आए और इसके जो साइज़ भी बढ़े, तो इसके लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट भी दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी क्यों बल्ब साइज़ बढ़ाने के अंदर बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोन की, तो ब्रोन का मुख्य कार्य दोस्तों ये होता है जो ब्रोन है वो सभी फ्रूट क्रॉप के अंदर या वेज जो भी अपनी सब्जियां हैं फल है उनके अंदर ब्रोन का ये काम होता है, ब्रोन वो फल को फटने नहीं देता और उसकी स्टोरेज लाइफ है उसको बढ़ाता है, तो इसके लिए ब्रोन बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी की दोस्तों आप क्या करेंगे, जो ब्रोन है 1 से 1.5 KG पर एकड़ के हिसाब से आप इसको नीचे से दे सकते हैं और इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की, तो दोस्तों आप कैल्शियम नाइट्रेट है इसको आप 10 से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसको आप प्याज के अंदर देंगे। तो आपको इन सभी प्रोडक्ट डालने के बाद यानी जो आपने मैंने आपको खाद बताई है आप ये सब डालेंगे तो इसके अंदर आपको प्याज के अंदर जो साइज़ है वो बहुत जल्दी आपको इसके अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा साइज़ बनेगा प्याज के अंदर, उसकी क्वालिटी भी है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। दोस्तों इस प्रकार आप 90 दिन की क्रॉप के अंदर इस प्रकार खाद और उर्वरक है उनका मैनेजमेंट कर अपनी क्रॉप की जो प्याज की क्रॉप है उसे एक अच्छा रिजल्ट या उसके एक अच्छा प्रोडक्शन है वो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।